Welcome to Jan Steno Classes. राजस्थान उच्च न्यायालय 70-80 शब्द प्रति मिनट हिंदी डिक्टेशन रेडी स्टार्ट। योगी आदित्यनाथ का असली नाम अजय सिंह विष्ट है विराम। वह मूल रूप से उत्तराखंड की पौड़ी जिले की पचूर गांव के रहने वाले हैं विराम। यूपी के नए सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जनवरी 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक के पचूर गांव में हुआ विराम। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पचूर गांव में हुई। इसके बाद उन्हें कोटद्वारा डिग्री कॉलेज से गहड़वाल विश्वविद्यालय से गणित में बीएससी किया है विराम। सबसे दिलचस्प बात यह है कि योगी आदित्यनाथ का वास्तविक नाम अजय सिंह है विराम। वो गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं विराम। आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी हैं विराम। वो हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं जो कि हिंदू युवाओं का सामाजिक सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह है विराम। योगी आदित्यनाथ 26 साल की उम्र में पहली बार यूपी के गोरखपुर संसदीय सीट से सांसद चुने गए विराम। उन्होंने पहली बार 1998 में लोकसभा का चुनाव जीता था विराम। इसके बाद आदित्यनाथ 1999, 2004, 2009 और 2014 में भी लगातार लोकसभा का चुनाव जीतते रहे विराम। महंत अवैधनाथ ने 1998 में राजनीति से संन्यास लिया और योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया विराम। यहीं से योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक पारी शुरू हुई है विराम। 1998 में गोरखपुर से 12वीं लोकसभा का चुनाव जीतकर योगी आदित्यनाथ संसद पहुंचे तो वह सबसे कम उम्र के सांसद थे जो वो 26 साल की उम्र में पहली बार सांसद बने। 1998 से लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। योगी यूपी बीजेपी के बड़े चेहरे माने जाते हैं। 2014 में 5वीं बार योगी सांसद बने विराम। पैरा वह गोरखपुर लोकसभा सीट से 2014 में 3 लाख से भी अधिक सीटों से चुनाव जीते थे विराम। उन्होंने 2009 में 2 लाख से भी अधिक वोटों से जीत हासिल की थी। योगी आदित्यनाथ की पूर्वांचल की 60 से अधिक सीटों पर पकड़ मानी जाती है विराम। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जब नरेंद्र मोदी वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ने उतरे थे विराम, उसी समय से संकेत मिल गया था कि बीजेपी पूर्वांचल पर पूरा फोकस रखकर यूपी की जंग जीतेगी विराम। मोदी लहर के चलते भाजपा ने लोकसभा की 80 में से
73 सीटें जीती थी। विराम योगी आदित्यनाथ के तौर तरीकों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने गोरखपुर के कई ऐतिहासिक मोहल्ले के नाम बदलाव दिए। इसके तहत उर्दू बाजार हिंदी बाजार बन गया, अली नगर आर्य नगर हो गया, मियां बाजार माया बाजार हो गया। विराम इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ तो आजमगढ़ का नाम भी बदलवाना चाहते थे। इसके पीछे आदित्यनाथ का तर्क है कि देश की पहचान हिंदी से है। विराम स्टॉप।